बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव आरजेडी को मजबूती देने में जुटे हैं और लगातार सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी पर बरस रहे हैं, तो वहीं जेडीयू अपनी पोस्टर पॉलिटिक्स के सहारे आरजेडी की आलोचना करने में जुटी हुई है, जिसका आरजेडी भी माकूल जवाब दे रही है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर जेडीयू ने लालू परिवार को लेकर ऐसा पोस्टर जारी किया है जिससे सूबे में सियासत गर्मा गई है। बिहार में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। हर दल खुद को दूसरे से बेहतर बताकर सत्ता हासिल करने का ख्वाब संजो रहा है, जिसमें न तो सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी पीछे है और न ही विपक्षी दल आरजेडी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, कभी सोशल मीडिया के जरिए तो कभी रैली और जनसभा के जरिए। इसके साथ ही पोस्टर पॉलिटिक्स भी सूबे की सियासत में उबाल ला रही है, जिसकी शुरुआत जेडीयू ने पिछले साल दिसंबर में की थी। तब से अब तक कई पोस्टर सामने आ चुके हैं और अब राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड ने एक और पोस्टर जारी कर राष्ट्रीय जनता दल को आड़े हाथों लिया है। जी हां, पटना के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक इनकम टैक्स चौराहे पर जेडीयू की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में एक तरफ लिखा गया है कि जेडीयू बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है, दूसरी तरफ लिखा गया है कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव के लिए विशेष कैदी का दर्जा मांग रही है। ये पोस्टर काफी चर्चा में है। जेडीयू द्वारा इस पोस्टर को इनकम टैक्स चौराहे पर लगाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर इस पर पड़ सके। पोस्टर वार के जरिए दोनों पार्टियां मतदाताओं को अपने खेमे में करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इससे पहले फरवरी महीने में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार सरकार के खिलाफ पोस्टर जारी किया गया था। 3 फरवरी को भी आरजेडी की ओर से जारी पोस्टर में जेडीयू को घेरा गया था। पोस्टर में बिहार को डूबते हुए दिखाया गया, वहीं सरकार को खिलाड़ी बताते हुए कुर्सी कुर्सी खेलने का आरोप लगाया गया था। आरोप लगाया गया था कि बिहारी लुट रहा है और जनता को परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी को लेकर भी आरजेडी ने सत्ता पक्ष को घेरा था। ऐसे में अब जेडीयू की तरफ से नए पोस्टर पर आरजेडी क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।